ठीक है, तो टी सेल दो टाइप के हैं, सीडी फोर एंड सीडी एट। सीडी फोर इज टी हेल्पर सेल्स एंड सीडी एट इज साइटोटॉक टी सेल्स। आवाज क्लियर है अभी? ओके, तो जो टी हेल्पर सेल्स है ये ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है। इसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये जनरली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट बना। इसके अलावा टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं टी सेल्स पे, जो कि दो टाइप के हैं, अल्फा बीटा एंड बीटा एंड गामा एंड डेल्टा। ये टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर है, तो ऐसे देखते हैं। दिस इज द टी सेल रिसेप्टर, जो ओके, दिस इज टी सेल रिसेप्टर। अल्फा चेन है इसमें, बीटा चेन है। जो अल्फा चेन है इसमें ऊपर वेरिएबल चेन होती है, बीटा चेन में भी एक वेरिएबल चेन होती है, इसके अलावा एक कॉन्स्टेंट चेन है। ठीक है, तो दोनों अल्फा बीटा वो वेरिएबल और कांस्टेंट चेन से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा सीडी थ्री ये मार्कर होते हैं, कोई भी टी सेल्स है अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दिस सीडी थ्री मार्कर से। इसके अलावा अगर सीडी सॉरी टी सेल के पास सीडी फोर है तो उसको हम टी हेल्पर सेल्स कहते हैं, और अगर सीडी एट है तो उसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। ठीक है, तो टी सेल्स, इसके अलावा जो टी सेल रिसेप्टर है दो टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा गामा। अल्फा बीटा में अल्फा यूनिट अभी हमने बताया कि उसके पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल रीजन होता है, उसी तरीके से डेल्टा गामा इसके पास भी एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन होता है। दिस इज द अल्फा एंड बीटा चेन, they have this is variable region, constant region, this is gamma delta also have variable and constant region. तो ये हम previous lecture में पढ़ चुके थे। ठीक है, now the generation of T cell diversity, कि जो T cell diversity है वो कैसे produce होती है। तो यहां पर हम जीन देख रहे हैं, दिस इज द जीन ऑफ टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं इनके पास वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, ये दो रीजन होते हैं। ठीक है, और पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो टी सेल रिसेप्टर है वो बने किसके होते हैं। तो टी सेल रिसेप्टर हमने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो टी सेल रिसेप्टर है इनमें ये जो रीजन है दिस इज द वेरिएबल रीजन। ठीक है, एंड दिस रीजन इज कांस्टेंट रीजन। ओके, सो और ये एक चेन है, ये अल्फा, ये एक चेन है एक बीटा। ठीक है, इसके अलावा जो टी सेल रिसेप्टर है वो गामा एंड डेल्टा से बने होंगे, उनके पास भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल रीजन होगा। तो दिस इज द गामा एंड दिस इज डेल्टा। ओके, तो अब डाइवर्सिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। डाइवर्सिटी जनरली जो है वो रीअरेंजमेंट से प्रोड्यूस होती है, कि जो जीन है जीन जीन रीअरेंजमेंट से ये डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। डाइवर्सिटी आप समझ रहे हैं, डाइवर्सिटी का मतलब टाइप ऑफ टी सेल रिसेप्टर, कि टी सेल रिसेप्टर में कितना पॉलीमॉर्फिज्म है, कितने टाइप के टी सेल रिसेप्टर है जो डिफरेंट टाइप के एमएचसी से जुड़ सकते हैं। एमएचसी का मतलब कि वो
जनरली टी सेल रिसेप्टर जुड़ते किससे हैं? टी सेल रिसेप्टर जो एमएचसी मॉलिक्यूल है जो पेप्टाइड शो कर रहे हैं उनसे जुड़ रहे हैं। तो डिफरेंट पेप्टाइड डिफरेंट टी सेल रिसेप्टर से जुड़ते हैं, और डिफरेंट टी सेल रिसेप्टर बनते कैसे हैं? बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ दीज जीन्स। कौन से जीन्स? दिस इज द वी जीन, डी जीन एंड जे जीन। जीन कौन कौन से हैं? वी जीन, डी जीन, जे जीन। दिस इज द जीन ऑफ वेरिएबल रीजन। इसको ध्यान रखिएगा कि वी यानी वेरिएबल रीजन के जो जीन होते हैं वो है वी, डी एंड जे। इनमें जो देखिए ये अल्फा ये बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फा है इसमें जो वी रीजन है इट इज मेड बाय वी एंड जे जीन रीअरेंजमेंट। लाइकवाइज जो गामा है उसका वी रीजन इज मेड बाय वी एंड जे जीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो बीटा है उसका वी रीजन इट इज मेड बाय वी, डी एंड जे जीन रीअरेंजमेंट। लाइकवाइज जो डेल्टा है उसका वी रीजन इज कंसिस्ट ऑफ वी, डी, जे रीअरेंजमेंट। ओके, तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि अल्फा एंड गामा वी रीजन इज अरेंज बाय वी जे रीअरेंजमेंट। तो अगर अल्फा का वी रीजन बनाना है यानी वेरिएबल रीजन बनाना है तो वी के कुछ वी का ये पोर्शन मान लीजिए। देखिए इसमें जो जर्म लाइन जीन है इसमें दिखाया गया है कि जो वी है दे आर 57 टाइप। वी रीजन है इट इज 57 टाइप, और जो डी रीजन है इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ डी। जो डी है इट इज टू टाइप, वन एंड टू, और जो जे है ये 6 या फिर 7। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हो रही है? हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वी बीटा 1 एंड जे बीटा 1 और डी बीटा 1 ये बन जाए, तो वी डी जे यानी कि 1 1 1 ये अरेंज होके वी रीजन बना ले। ठीक है, या हो सकता है कि वी 2 डी 1 और जे 1 ये वेरिएबल रीजन एक बना ले, या फिर हो सकता है कि वी 3 मतलब वी एन नंबर बन के इस तरीके से 57 टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन ऑफ टी सेल्स बन सकते हैं। अब 57 के बाद भी अगर हम डी को देखें तो 2 डी और जोड़ दे इसमें तो वो डिफरेंट टाइप्स के मतलब 57 प्लस डी को और जोड़ दे तो 57 प्लस मतलब अब डुप्लीकेट हो गया ना, डी हर बार अलग अलग हो गया तो 57 हो गए। ठीक है, यानी कि ये हो गए 114 टाइप के वेरिएबल रीजन अगर हम सिर्फ वी डी रीअरेंजमेंट को देख रहे हैं, और अगर वी डी जे को भी जोड़ दे
तो 57 के साथ फिर हम 6 टाइप के ये भी जोड़ देंगे, तो कुल मिला के ये जो है n टाइप के टी सेल रिसेप्टर वेरिएबल रीजन्स बन सकते हैं। जो डाइवर्सिटी है इट इज मेड बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल रीजन, ना कि कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट जो है वो सिंगल है, वो डुप्लीकेटेड नहीं है, तो ज्यादा जो डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होगी वो कांस्टेंट रीजन से प्रोड्यूस होगी। तो आपको यहां पर बस क्लियर एक चीज होनी चाहिए कि जो डाइवर्सिटी है वो कैसे क्रिएट हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीअरेंजमेंट ऑफ जीन एंड द अल्फा एंड गामा इज प्रोड्यूस्ड बाय वीजे व्हाइल बीटा एंड डेल्टा इज प्रोड्यूस्ड बाय वीडीजे। ठीक है, तो वेरिएबल रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस वीडीजे जीन एंड कॉन्स्टेंट रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस सीजी। ओके, इसमें जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन है उनमें कॉन्स्टेंट रीजन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। उसमें कॉन्स्टेंट रीजन के अकॉर्डिंग जो है कई टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। जैसे कि अगर कॉन्स्टेंट रीजन अल्फा है तो वो IgA है, कॉन्स्टेंट रीजन गामा है तो वो IgG है, कॉन्स्टेंट रीजन अगर डेल्टा है तो वो IgD है, कॉन्स्टेंट रीजन म्यू है तो IgM है। तो वहां पर कॉन्स्टेंट रीजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इवन जो गामा है वो भी 4 टाइप का होता है, जो अल्फा है वो भी 2 टाइप का है। तो वहां पर डाइवर्सिटी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल रीजन इन दोनों के कारण होती है, लेकिन यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल रीजन, क्योंकि वेरिएबल रीजन के जो वी जीन है वो कई सारे हैं, डी है वो 2 है, या जे है वो कई सारे हैं, तो उनके रीअरेंजमेंट से डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, कोई डाउट? सर एक बार और समझा देते हैं। देखिए, जो टी सेल्स हैं उनमें टी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन से ही डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, मतलब जो टी सेल्स हैं उनमें जो रिसेप्टर है वो बाइंड कर रहे हैं MHC मॉलिक्यूल से, और हर MHC के पास डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड्स जो है वो डिफरेंट टी सेल रिसेप्टर से डिफरेंट एफिनिटी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है या डिफरेंट टाइप की टी सेल्स रिसेप्टर जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट। जो प्रोसेस है जिससे डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ जीन। और रीअरेंजमेंट ऑफ जीन कौन कौन से होंगे, जीन यहां पर 2 टाइप के होंगे, एक वेरिएबल रीजन के जीन होंगे और एक कांस्टेंट रीजन के जीन होंगे। बिकॉज जो रिसेप्टर है वो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन शो करते हैं, यानी कि हर एक रिसेप्टर के पास, यानी कि अल्फा एंड बीटा के पास या गामा एंड डेल्टा के पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन है। अब ये जो वेरिएबल रीजन है ये 3 जीन से मिलके बना है, वी डी जे, ये 3 जीन से बना है। वाइल जो कांस्टेंट रीजन है इट इज बिकॉज ऑफ सी जीन, ठीक है। तो यहां पर ये 3 जीन के रीअरेंजमेंट से बनेगा, और जो कांस्टेंट रीजन है वो सिंगल कांस्टेंट रीजन से बनता है। ओके, ये क्लियर है। अब हम समझते हैं जो अल्फा है इसका वेरिएबल रीजन, इट इज फॉर्म बाय वी एंड जे, और ये कंप्लीट कैसे बनेगा, जब वी जे प्लस सी बनेंगे तो अल्फा रीजन प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से जो बीटा है ये कैसे बनेगा, इट इज बिकॉज वी डी जे रीअरेंजमेंट प्लस सी, तो बीटा का फॉर्मेशन वी डी जे एंड सी,
अल्फा का फॉर्मेशन ओनली वी जे एंड सी जीन अरेंजमेंट। इसी तरीके से जो गामा है इट इज फॉर्म बाय वी जे एंड सी, गामा इज फॉर्म बाय वी जे एंड सी, व्हाइल डेल्टा इज फॉर्म बाय वी डी जे एंड सी जीन अरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट होता कैसे है? एक्चुअली स्टार्टिंग में जो जर्म लाइन डीएनए है वो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस होता है, उसमें वी के सारे रीजन है, यानी वी के एन नंबर ऑफ जीन है, जनरली 57 नंबर होते हैं, डी के 2 जीन है, जे के 6 और 7 जीन है। ये आपका बीटा रीजन का जर्म लाइन डीएनए दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो डीएनए है स्टार्टिंग में उसमें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन दोनों होते हैं। फिर क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं यानी कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इनको क्या किया जाता है, स्प्लाइस कर दिया जाता है, तो सिर्फ बचते कौन से, कोडिंग सीक्वेंस। तो ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग अब हो सकता है कि वी का एक पोर्शन पहुंचे, ठीक है, जे का एक पोर्शन पहुंचे और डी का एक पोर्शन पहुंचे और सी का ये पोर्शन पहुंचे। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि जब स्प्लाइसिंग हो तो वी वन और यहां पर डी वन एंड जे वन ये मिलकर बना ले वी रीजन और सी मिलकर बना ले कांस्टेंट रीजन, या हो सकता है स्प्लाइसिंग से वी टू एंड डी वन एंड जे टू ये सीक्वेंस रीअरेंज हो जाए और बीटा चेन बनाए। तो इस तरीके से 57 टाइप्स के वी रीजन ऐड हो सकते हैं, 2 टाइप के डी रीजन ऐड हो सकते हैं, 6 टाइप के और 7 टाइप के जे रीजन ऐड हो सकते हैं और फिर सिंगल टाइप का सी रीजन या 2 टाइप के सी रीजन ऐड हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के रीअरेंजमेंट से डिफरेंट टाइप के टी सेल रिसेप्टर्स फॉर्मेशन होते हैं, इसी को कहते हैं टी सेल डाइवर्सिटी फॉर्मेशन। ये ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन के केस में भी होता है, वहां पर आपको जो हैवी चेन है यानी कांस्टेंट रीजन है वो डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे आप, ठीक है। तो ये क्लियर है? यस सर। अब देखिए ये यहां पर आपको दिखाया गया है कि जो अल्फा चेन है, जो वेरिएबल रीजन है इट इज मेड बाय वीजे, लाइकवाइज गामा वेरिएबल चेन इज मेड बाय वीजे, लाइकवाइज बीटा वेरिएबल चेन इज मेड बाय वीडीजे और डेल्टा इट इज मेड बाय वीडीजे। तो अल्फा एंड बीटा ये वेरिएबल चेन बनेंगी इन जीन रीअरेंजमेंट से, एंड गामा एंड डेल्टा जो वेरिएबल चेन है वो इन जीन रीअरेंजमेंट से बनेंगे। इस तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ जीन प्रोड्यूस डाइवर्सिटी। ठीक है, तो टी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन हो गया, ओके। इसके अलावा जो टी सेल रिसेप्टर बन जाते हैं आफ्टर टी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन, जो टी सेल्स हैं उनको उनकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब ये है कि टी सेल्स का एक्टिवेशन या मैच्यूरेशन वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है थाइमस में, ठीक है। तो थाइमस में इसका मैच्यूरेशन कैसे होता है, जो टी सेल है स्टार्टिंग में यानी जर्म सेल्स में ये प्रोड्यूस होती है, सॉरी जर्म लाइन सेल्स में टी सेल रिसेप्टर, सॉरी टी सेल्स जब प्रोड्यूस हुई फिर वो फर्दर थाइमस में पहुंची, थाइमस में वहां पर CD4 और CD8 का एडिशन हुआ, ठीक है। देन अब सेलेक्शन होता है,
सेलेक्शन का मतलब ये है कि किस टी सेल्स को आगे मैच्योर करना और किस टी सेल्स को यहां पर डिलीट करना है, ये इसका क्या कहलाता है, सेलेक्शन कहलाता है। अब सेलेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। इन केस टी सेल बाइंड्स विद एमएचसी और दे बाइंड्स विद एमएचसी वीकली, अगर टी सेल्स वीकली एमएचसी से, और कौन सा एमएचसी है, दिस इज द सेल्फ एमएचसी, जो खुद की एमएचसी है, अगर उनसे ये वीकली बाइंड हो रहा है तो इसका पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। अगर ये टी सेल रिसेप्टर एमएचसी से स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है, सेल्फ एमएचसी से अगर ये स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है तो इसका नेगेटिव सिलेक्शन होता है, या फिर नहीं बाइंड करता है तो भी इसका नेगेटिव सिलेक्शन होता है। तो दो टाइप का सिलेक्शन टी सेल का होता है बिफोर मैच्योरेशन, कि वो उस टी सेल्स को जो कि टी सेल रिसेप्टर शो कर रही है CD4 और CD8 रख रही है, उसको आगे फर्दर पेरिफेरल टिश्यूज में भेजा जाए कि ना भेजा जाए, उसके लिए उसका सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन डिपेंड करता है एमएचसी से बाइंडिंग पे, अगर वो एमएचसी से बाइंड नहीं करता है तो नेगेटिवली सेलेक्ट होता है, यानी कि उसको फिर एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है, या फिर अगर स्ट्रांगली बाइंड हो रहा है तो भी नेगेटिवली सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि उसको फिर से एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जा रहा है। तो 90% टी सेल्स नेगेटिवली सेलेक्ट होके उनका एपोप्टोसिस करा दिया जाता है। जो 10% पॉजिटिवली सेलेक्ट होती है उनको फर्दर मैच्योर करने के लिए पेरिफेरल टिश्यूज में भेज दिया जाता है। तो मैच्योरेशन या सेलेक्शन इज डिपेंड ऑन द एमएचसी बाइंडिंग, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझिए कि अगर वो सेल्फ एमएचसी से स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है तो इसका मतलब कि अगर वो एमएचसी से स्ट्रांगली बाइंड करेगा तो वो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस कर सकता है। तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस करने का मतलब ये है कि वो खुद की सेल्स को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, इसलिए उसको नेगेटिवली सेलेक्ट करके यानी कि उसको एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है। या फिर वो अगर एमएचसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है या बाइंड ही नहीं कर पा रहा है तो फिर तो वो अलार्म सिग्नल भेज ही नहीं सकता, यानी कि फिर वो साइटोकाइन प्रोडक्शन जो करना चाहिए खुद के एक्टिवेशन के लिए, या फिर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको डिलीट करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए अगर वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा है तो भी उसको एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है। तो जनरली एमएचसी से वो वीकली बाइंड होना चाहिए जिससे कि वो उसका फर्दर एक्टिवेशन हो सके, उसका डिफरेंशिएशन हो सके और साइटोकाइन प्रोडक्शन हो सके। इसलिए सिलेक्शन रिक्वायर वीकली बाइंडिंग टू एमएचसी। ओके, क्लियर है कि थाइमस सेल्स से टी सेल्स, वही टी सेल्स आगे फर्दर पेरिफेरल टिश्यूज में पहुंचेंगी जो कि टी सेल्स से वीकली बाइंड करेंगी। अदर जितनी भी टी सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस, उनकी एपोप्टोसिस करा दी जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्लियर है सारी चीजें। अब देखते हैं टी सेल एक्टिवेशन कि अब पेरिफेरल टिश्यूज में उनको भेज दिया गया, थाइमस से वो आगे जा चुकी हैं, तो टी सेल एक्टिवेशन रिक्वायर टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो टी सेल है वो एक्टिवेट कैसे हो तो उसके लिए उनको चाहिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि टी सेल रिसेप्टर चाहिए, टी सेल को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स चाहिए।
टी सेल रिसेप्टर सबको पता है कि या तो अल्फा बीटा या फिर गामा डेल्टा टाइप के होंगे। इसके अलावा को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या हुए, यानी कि सीडी मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CD4 या फिर CD8 जो कि MHC के नॉन पेप्टाइड एरिया, जहां के पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप नहीं है, उस पे बाइंड करते हैं। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सेलेक्टिन्स, यानी कि एडहेशन मॉलिक्यूल्स, जो कि बाइंड करते हैं, मतलब कि इसको बाइंड करवाते हैं टारगेट सेल से, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। तो किसी भी सेल से, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से या फिर जो न्यूक्लिएटेड सेल्स है उनसे बाइंड करने के लिए इनको चाहिए टी सेल रिसेप्टर। इसके अलावा एसेसरी मॉलिक्यूल्स जैसे कि CD4, CD8 एंड एडहेशन मॉलिक्यूल, यानी कि लिम्फोसाइट, फंक्शनल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा वास्कुलर लिम्फोसाइट एसो